Hi guys, how are you today? I hope you will be all absolutely fine. I am also fine. Then come to the topic. आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्लास 5 की इंग्लिश बुक है, चैप्टर 3, द स्टोरी ऑफ ए कॉइन। एक सिक्के की कहानी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पुराने ज़माने में जब कोई भी सिक्का या रुपया नहीं हुआ करता था, तब लोग इस प्रकार से सामान खरीदते थे, उनको किन परेशानियों से गुजरना पड़ता था, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एन एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट। प्राचीन काल में मानव प्राणी जंगल में रहा करते थे। देयर लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट। उनका जीवन बहुत ही कठिन हुआ करता था। दे वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वे एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे। दे स्पेंड देयर नाइट इन कैब्स और ऑन ट्रीज। वे रात या किसी गुफा में या किसी पेड़ पर बिताते थे। दे एट फ्रूट ऑफ ट्रीज और मीट ऑफ एनिमल्स। वे पेड़ का फल खाते थे या जानवर का मांस। देयर वॉज डेंजर ऑफ फ्यूरियस वाइल्ड एनिमल्स। उस समय भयंकर जंगली जानवरों का खतरा रहता था। दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। वे अपनी सुरक्षा के लिए एक समूह बनाकर रहते थे। थिंकिंग मैन वेर इंटेलिजेंट। सोचने वाले आदमी बुद्धिमान होते थे। दे गैदर्ड एक्सपीरियंस एंड यूज इट फॉर देयर बेटर फ्यूचर। वे अपने अनुभवों के द्वारा अपने भविष्य को बेहतर बना रहे थे। दे लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। वे कृषि करने की कला सीख रहे थे। दे स्टार्टेड लिविंग एट ए प्लेस। वे एक जगह रहना शुरू कर दिए। दे बिल्ट हट्स टू लिव टूगेदर। वे झोपड़ी बनाकर एक साथ रहने लगे। इन दिस वे विलेज केम इनटू द एग्जिस्टेंस। इस तरह से गांव का अस्तित्व विकसित होने लगा। लेटर ऑन विलेज डेवलप्ड एज ए टाउन। बाद में ये गांव विकसित होकर शहर बन गया। इन द बिगिनिंग मैंस नीड्स वेयर वेरी लेस। प्रारंभिक समय में लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थी। When their knowledge increased, their needs also increased. जैसे जैसे उसको ज्ञान हुआ, वैसे ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। It was not possible for any man to produce all things of his need himself. किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपने सारी जरूरतों की चीज खुद ही बना ले। Therefore, they exchanged things from each other. इसीलिए वे लोग एक दूसरे से वस्तुएं अदला बदली करते थे। इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इस तंत्र को वस्तु विनियम तंत्र कहा गया। एट फर्स्ट द काउ वॉज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले अदला बदली करने का माध्यम गाय था। देयर वेयर मेनी डिफिकल्टीज इन दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस अदला बदली करने का तंत्र में बहुत कठिनाइयाँ थी। पैडी टुक प्लेस ऑफ द काउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद गाय के जगह धान अदला बदली करने का एक आसान माध्यम बन गया। देन द क्वाइन केम इन एग्जिस्टेंस एंड बीकेम द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद सिक्का चलन में आया और अदला बदली करने का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। क्वाइंस आर मेड ऑफ मेटल। सिक्के धातु के बने होते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस। सिक्कों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के धातु उपयोग होते रहे हैं। द किंग्स यूज्ड द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल गोल्ड टू मेक क्वाइंस। सिक्कों को बनाने के लिए राजा सबसे मूल्यवान धातु सोना का उपयोग करते थे। आफ्टर गोल्ड द चेंज ऑफ सिल्वर कैम। उसके बाद सोना के जगह चांदी का उपयोग होने लगा। कॉपर एंड एल्युमिनियम वेयर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस। सिक्कों को बनाने के लिए तांबा और
एल्युमिनियम का भी उपयोग किया गया। इन इंडियन हिस्ट्री देयर इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ यूजिंग लेदर फॉर दिस पर्पज। भारतीय इतिहास में इस उद्देश्य के लिए चमड़े का भी प्रयोग किया गया है, ऐसा प्रमाण मिलता है। मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। धातु को माइन से, खान से निकाला जाता है। देयर आर मेनी अनवांटेड मटेरियल्स इन इट। इसमें कई अनैच्छिक चीज़ें मिली होती है। इट इज प्यूरिफाइड इन द फर्नेंस। इसको गर्म भट्टी में तपाकर शुद्ध किया जाता है। प्यूरिफाइड मेटल इज सेंट टू मिंट। शुद्ध धातु को सिक्का बनाने वाली कारखाने में भेजा जाता है। इन मिंट डिफरेंट मेटल्स आर मेल्टेड। कारखाना में कई अलग अलग प्रकार के धातुओं को गलाया जाता है एंड मिक्स्ड इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, और उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। दिस मिक्स्ड मेटल इज पास्ड थ्रू डिफरेंट मशीन्स। इस मिले हुए धातु को अलग अलग मशीनों से गुजरना पड़ता है। आफ्टर दिस प्रोसेस द क्वाइन गेट्स इट ग्लिटरिंग शेप। इस प्रक्रिया के बाद सिक्के अपने चमकने वाले आकार में आ जाते हैं। ब्यूटिफुल डिजाइंस आर पुट ऑन बोथ फेसेज ऑफ द क्वाइन टू एड टू इट्स ब्यूटी। सिक्के की सुंदरता के लिए उसके दोनों तरफ सुंदर रचनाएं बनाई जाती है। द क्वाइन इज सेंड टू द रिजर्व बैंक, और सिक्के को रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है। फ्रॉम द रिजर्व बैंक द क्वाइन गोज इन द हैंड्स ऑफ मैन। रिजर्व बैंक के बाद सिक्का लोगों के हाथों में पहुंच जाता है। द जर्नी ऑफ द क्वाइन बिगिंस इन दिस वे। इस प्रकार सिक्के की यात्रा शुरू होती है। इट मूव्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। यह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैन। यह सभी तरह के व्यक्तियों के पास जाता है। समटाइम्स इट गोज इन हैंड्स ऑफ ए रिच मैन। कभी कभी यह किसी अमीर व्यक्ति के हाथ में जाता है। समटाइम्स इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ए पुअर मैन, और कभी कभी यह किसी गरीब व्यक्ति के हाथ में भी जाता है। सम मैन कीप इट इन देयर पॉकेट। कुछ लोग इसको अपने जेब में रखते हैं। सम मैन कीप इट इन द पर्स और वॉलेट। कुछ लोग इसको अपने पर्स में या वॉलेट में रखते हैं। पर्स और वॉलेट दोनों का मतलब पर्स ही होता है। इट इज ऑल्सो केप्ट इन आयरन सेफ। इसे लोहे की तिजोरी में भी रखा जाता है। द क्वाइन हैज टेंडेंसी ऑफ वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहना सिक्के की प्रवृत्ति है। When the coin goes in the hands of a miser, it has to stay there for a long time. जब सिक्का किसी कंजूस व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो उसे लंबे समय तक वहाँ पे रुकना पड़ता है। He does not want to let the coin go out of his hands. वह नहीं चाहता कि सिक्का उसके हाथ से चला जाए। Some people are fond of collecting coins. कुछ लोग सिक्के जमा करने के शौकीन होते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाइंस इन देयर कलेक्शन। उनके संग्रह में अलग अलग प्रकार के सिक्के होते हैं। टाइम टू टाइम क्वाइंस आर इशूड विथ सम स्पेशल फीचर्स। समय समय पर अलग अलग विशेषताओं के सिक्के जारी किए जाते हैं। वेन एवर दे फाइंड सच ए क्वाइन दे एड इट इन देयर स्टॉक। जब कभी उन्हें इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं वे अपने संग्रह में उसे जमा कर लेते हैं। सच पीपुल हैव कलेक्शन ऑफ क्वाइंस फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न डेज। इस तरह के लोग पुराने समय से अभी तक के सिक्कों को संग्रह करते हैं। दे ट्राई टू कलेक्ट द क्वाइंस ऑफ अदर कंट्रीज टू। वे दूसरे देशों के सिक्कों को भी संग्रह करने का प्रयास करते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम,
द क्वीन लॉसेस इट्स ब्यूटी। समय बीतने के साथ साथ सिक्के अपने सुंदरता को खोते गए। पीपुल हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट। लोग इसे स्वीकार करने में हिचकिचाने लगे। व्हेन दिस कंडीशन कम्स द क्वीन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक। एक ऐसा स्थिति आया जब सिक्कों को रिजर्व बैंक में भेज देना पड़ा। देन ए न्यू क्वीन इज इशूड इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वन। तब फिर उन पुराने सिक्कों के जगह पर नए सिक्कों को जारी किया गया। द लाइफ ऑफ द क्वीन इज वेरी लॉन्ग। सिक्के काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। इट लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। यह 100 सालों तक रह सकते हैं। इट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। और यह सुंदर भी रह सकते हैं। देर इज नो इफेक्ट ऑफ वाटर और फायर ऑन द क्वीन। पानी या आग का असर सिक्कों पे बिल्कुल भी नहीं होता। इट हैज बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसका अंकित मूल्य और बाजार मूल्य दोनों है। ड्यू टू इट्स वेट पीपुल फील डिफिकल्टी इन कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके वजन के कारण लोगों को इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई महसूस होती है। ड्यूरिंग जर्नी दे प्रीफर पेपर नोट्स टू क्वीन। यात्रा के दौरान वे सिक्कों के जगह कागज के नोट को ले जाना अधिक पसंद करते हैं। द पेपर नोट हैज ओनली फेस वैल्यू। कागज के नोट का सिर्फ अंकित मूल्य होता है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ केयर। इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक रखने की आवश्यकता होती है। इट डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज द क्वीन। यह सिक्के के मुकाबले बहुत अधिक समय तक नहीं टिक सकता। एट प्रेजेंट प्लास्टिक मनी इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग। वर्तमान समय में प्लास्टिक मनी खरीदारी करने के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। इट इज ए टाइप ऑफ कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। यह प्लास्टिक का बना एक कार्ड के जैसा होता है। ए पर्सन कैन इजली गो एनीवेयर विद दिस कार्ड। एक व्यक्ति इस कार्ड को लेकर कहीं भी आसानी से जा सकता है। ही कैन बाय रेल और एयर टिकट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। वह इस कार्ड के मदद से रेल टिकट या हवाई टिकट खरीद सकता है। ही कैन परचेज थिंग्स इन मॉल्स विथ प्लास्टिक मनी। वह इस प्लास्टिक मनी से मॉल्स में कई वस्तुएं खरीद सकता है। पीपुल आर मेड आफ्टर क्वाइंस। लोग सिक्कों के पीछे पागल हैं। दे वॉन्ट टू कलेक्ट मोर एंड मोर क्वाइंस। वे बहुत और बहुत सिक्कों को जमा करना चाहते हैं। द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। जिसे जितना अधिक मिलता है वह और उतना अधिक चाहता है। दे वॉन्ट टू गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ क्वाइंस। वे सिक्कों की मदद से समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। दे नेवर वॉन्ट टू पार्ट विथ इट। वे इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू अर्न क्वाइंस बाई हुक और बाई क्रूक। दे वॉन्ट टू अर्न क्वाइंस बाई हुक और बाई क्रूक। वे गलत तरीकों को अपना कर भी सिक्कों को कमाना चाहते हैं। दे फाइट विथ देयर ओन ब्लड फॉर क्वाइंस। वे सिक्कों के लिए अपने ही परिवार के सदस्य से झगड़ा करते हैं। द क्वीन लाफ्स एट दिस बिहेवियर ऑफ पीपुल। लोगों के इस व्यवहार पर सिक्के उस पर हंसते हैं। दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द क्वीन अनटिल दे हैव कॉन्टेंटमेंट। जब तक वे सिक्कों के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे वे संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये देखिए इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है।
चार नंबर में मैच द फॉलोइंग उसको मिलाने के लिए दिया गया है। तो आइए मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए क्लास फाइव सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर थ्री का ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वॉज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफिकल्ट इन एंशियंट टाइम। इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड एंड शेल्टर। दे हैड टू हाइड themselves from furious animals, so their life was very difficult. What was used as a medium of exchange at first? At first, the cow was used as a medium of exchange. Where do people keep the coins? People keep the coins in their pocket, purse, wallet, and in iron safe. Which type of coins are collected? The coins are issued with some special features are collected. Why do people prefer paper notes to coin? People prefer paper notes to coin because paper notes are very lighter than coins and are very easy to carry. What is the use of plastic money? Plastic money is used for shopping in malls and buy rail and bus tickets. Choose the correct option. Two number mein diya hua hai. Direct answer diya hua hai. Aap question apne book se dekh sakte hain. थ्री नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स इसका आंसर भर दिया गया है। फोर नंबर में मैच द फॉलोइंग दिया गया था इसे मिला दिया गया है इसका आंसर डायरेक्ट दिया गया है। यहाँ पर चैप्टर थ्री पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आप लोगों को हमारे इस चैनल से ज़रा भी मदद मिलता है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।